आपका भाई मतलब दोबारा YouTube पे आ गया। अगर आप ऐसी कर आपको ऐसी आ रही नहीं कि मैंने YouTube क्विट कर दिया, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। YouTube पे मेरी आ नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो भाई इसलिए एक भी वीडियो नहीं आ पाई YouTube पे। मगर अभी मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले यार मैं इस गाड़ी के बारे में बात करूंगा। भाई ये मारुति 800 गाड़ी है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। इंटीरियर देख लो गाड़ी का, मतलब मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर जैनमैन ये गाड़ी जो है 49,257 किलोमीटर चली हुई है जैनमैन। अब मैं आपको इस गाड़ी का बाहर से भी दिखाऊंगा मतलब ये कितने रुपए में खरीदी है मारुति 800। और भाई जैनमैन गाड़ी इतनी चली हुई, कम चली हुई गाड़ी, तो मैं दिखाता हूँ आपको पहले। भाई यहाँ से देख लो, मतलब यार गाड़ी की कंडीशन देख लो आप। भाई गाड़ी की कंडीशन देख लो, मतलब सिल्वर कलर में है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कि डेंट मिलेगा आपको। UP60 नोएडा से खरीदी है, मात्र 25,000 रुपये की गाड़ी है भाई। 2006 का लास्ट मॉडल है, सिल्वर कलर में है भाई। पूरी गाड़ी देख लो, पूरा वॉक अराउंड लेके दिखाऊंगा साइड से भी, टायर वगैरह हर चीज़ पूरी, मतलब चारों टायर नए मिले मुझे इस गाड़ी के। बैटरी इसके अंदर नहीं डलवाई है मैंने, बस भाई घर पर खड़ी हुई गाड़ी मिल गई थी। और ये मेरी बच्चा पार्टी है जो गाड़ी के अंदर घुसी हुई है, सब बच्चे पार्टी घूम रही है मेरे साथ। भाई चारों तरफ से अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं, गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं है। 25,000 रुपये में 2006 मॉडल मिला है, ये खड़ी हुई गाड़ी मिल गई हमें। पीछे से देख लो, पीछे से भी दिखा देता हूँ, बस यहाँ पे भी कोने पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे भी ये छोटा सा डेंट पड़ रहा है गाड़ी के अंदर। और भाई मतलब पूरी गाड़ी एकदम जैनमैन है, पूरी गाड़ी एकदम जैनमैन है, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी के ऊपर। टायर वगैरह की कंडीशन देख लो, मात्र 25,000 रुपये में आपका भाई ये गाड़ी लेके आया है। और आप मुझे ये भी बताना कि गाड़ी में अगर मुझे कुछ मॉडिफाइड कराना चाहिए तो भाई मैं क्या करूँ, अलॉय व्हील लगाने चाहिए मुझे इसमें, नहीं लगाने चाहिए, प्योर पेट्रोल पे गाड़ी है, CNG लगी हुई नहीं है इसके अंदर, इसीलिए मैंने खरीदी। अगर CNG वाली होती तो मैं खरीदते नहीं भाई। CNG वाली गाड़ी में ना पिकअप होता नहीं है, इंजन एकदम भरा हुआ हो जाता है बिल्कुल, यार कोई मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। भाई टायर वगैरह हर चीज़ देखो मतलब गाड़ी में। और आप मुझे कमेंट में बताना इसमें मुझे अलॉय व्हील लगवाने चाहिए, साउंड वगैरह सब चीज़ें मुझे इसमें लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। हाँ तो भाई सब बच्चे बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो यार और भी आगे आती रहेंगी। भाई देख लो गाड़ी को, मैंने सारी गाड़ी आपको आगे पीछे से दिखा दी है। आप मुझे बताना मॉडिफिकेशन क्या क्या कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। अंदर से और दिखा देता हूँ, AC है नहीं इसमें, फ़ैन है बस। भाई अंदर से मतलब एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी है, 4th गियर वाली गाड़ी है, ब्लूटूथ स्टीरियो इसके अंदर लगा हुआ है, बढ़िया एकदम जेन्युइन। और भाई पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे से देख रहे हो मतलब ये बच्चा पार्टियाँ पे बैठी हुई है गाड़ी, यार एकदम मतलब जेन्युइन, ना कोई प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर ना कुछ है। गाड़ी के बारे में बताना गाड़ी कैसी लगी, मात्र 25,000 रुपये में भाई एकदम जेन्युइन कंडीशन की गाड़ी मिल गई हमें। और भाई हो सकता है कि मैं जल्द से जल्द मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगवाऊँ उसमें, मगर जो जो चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट करेंगे यार मैं वही लगाऊँ। क्या मुझे अलग भी लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, ज़रूर बताना। ठीक है भाई, इसकी वजह कि ये लाइट है जो पुरानी सी लग रही है, साफ़ करवानी पड़ेगी मुझे या फिर ये नहीं डल जाएगी। मारुति सुजुकी के सामान आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता ही आता, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। और भाई गाड़ी के बारे में बताऊँ ना, रॉकेट रॉकेट भागते एकदम, मतलब भाई पेट्रोल पे गाड़ी इतनी कम चली हुई, बस मैंने इस गाड़ी को लेने के बाद सिर्फ बैटरी ही डलवाई गाड़ी के अंदर, बैटरी के अलावा और कोई काम ही नहीं कराया भाई, रॉकेट भागती है एकदम। तो भाई बताना मुझे कमेंट में किस किस भाई को मेरी गाड़ी अच्छी लगी और क्या क्या मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करानी चाहिए, सारी चीज़ें बता।